क्या आपका जेईई मेन फेब अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया? डरने की कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास बचे हुए हैं 3 और अटेम्प्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एडीबी स्टार लेकर आ रहा है आरबीसी 3.0 बैच, तो इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस नाउ। मॉर्निंग एवरीवन, बैठो बैठो बैठो। इतने सारे कहाँ से हैं? अच्छा, आरबीसी 3.0। तो आंसर क्या आ गई ना तुम्हारी? Yes, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं? क्या हुआ? कल रात को आ गए थे, हाँ तभी तो पूछा मैंने। हाँ, कितने मार्क्स आ रहे हैं? 200 से ऊपर है कोई? 200 से ऊपर? कैलकुलेट नहीं किया क्यों? डर लग रहा था। अच्छा, सुबह पता लगा, अभी जाके कैलकुलेट करोगे? जिन्होंने कर लिया उनमें से किसी के नहीं है 200 से ऊपर? नहीं, कितना जल्दी बोला, कितने मार्क्स है? अच्छा, पता ही नहीं है, ये सही बात ना तेरा। फिजिक्स के मार्क्स पता कितने हैं? उसी में अच्छे आए होंगे तेरे। क्या? अच्छा, मैथ्स में भी अच्छे हैं, कितने होंगे? मतलब फिजिक्स से कम है लेकिन। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बाकी कितने लोग पहली बार कोटा हैं? ऐसा कितने लोग पहली बार कोटा हैं? पहली बार? अच्छा, पहले भी आया था? पहली बार आ रहा, तो इतनी हंसी क्या है तेरे को इसमें? अच्छा अच्छा, इस बात की खुशी थी? अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो कैसा लगा फिर तुम्हें आके एक दो दिन में? बेकार, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा। कैसे, मतलब क्या चाहिए था तेरे को? क्या सोच के आया था तू? क्या मिलेगा यहाँ? माहौल नहीं दिखा अभी तेरे को? तू निकला नहीं था बाहर? कब आया था? कहाँ से हो तुम? उत्तराखंड से। फिर वैसे मजे थोड़ी मिलेंगे तेरे को यहाँ पे, वहाँ इतनी ठंड है, यहाँ पे इतनी गर्मी, तू वैसा वाला माहौल ढूंढ रहा होगा यहाँ पे भी। अभी मत ढूंढ, है ना, थोड़े दिन पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे अच्छे से। और बाकी लोग सब कैसे हो? पुराने वाले कितने गए अपने? पुराने वाले कुछ झंडे गाड़े हैं तुमने थोड़े बहुत? कुछ अच्छा किया है पेपर? थोड़ा बहुत कुछ तो किया है ना अच्छे से? चलो, तो अब इसमें है ना, मतलब बेसिकली तुम में से कितने ऐसे हैं जो सिर्फ जेईई एडवांस के लिए हैं? सिर्फ जेईई एडवांस के लिए, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहते हैं? तुम्हारे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं क्या फेब वाले अटेम्प्ट में? नहीं आ रहे क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ट्वेल्थ के साथ भी आईआईटी पे फोकस रह सकता है। हो नहीं पाया था, कितने मार्क्स आए थे? और मेंस में? ओके ओके, ठीक है। तो अभी के लिए ना तुम मार्च पे फोकस करना है तुम्हें सबको, मेंस पे ही फोकस करना है अभी के लिए। एडवांस का कुछ भी भूल जाओ, क्योंकि 15 दिन में वैसे भी तुम एडवांस का कुछ खास कर नहीं पाओगे, है ना? और वैसे तो करने वाले एक साल में भी नहीं कर पाते, लेकिन 15 दिन में तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो 15 दिन के हिसाब से है ना अभी जेईई मेन पे फोकस करना है। और सबसे पहले, जैसे काफ़ी बच्चों ने होगा ना तुम्हारा, कि किसी का 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, किसी का 70% हुआ था, तो जो बचा हुआ थोड़ा बहुत है सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। क्योंकि देखा होगा ना तूने एग्जाम में कि मतलब पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बस उनमें क्या था कि सारे चैप्टर जो वो कवर किए गए थे ऑलमोस्ट। कई कई शिफ्ट थे जिसके अंदर रीजनिंग में सवाल नहीं पूछा गया। किसकी शिफ्ट थी ऐसी जिसके रीजनिंग में तेरे में दो पूछे गए थे? तेरी किस्मत अच्छी थी, एक एक शिफ्ट ऐसी भी थी जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था रीजनिंग से। तुम तो वही पेपर देख के डिप्रेशन में इसलिए आगे हुए, रीजनिंग का सवाल ही नहीं है, है ना? सबसे पहले वही ढूंढा ना। तो इसीलिए होता है कि कई बार आपकी किस्मत जो अच्छे से साथ नहीं देती, तो आप सारे चैप्टर हमेशा करके जाओ, है ना? हो सकता है कि तुम्हारी शिफ्ट में किस से आ जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे जो चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है ना, उसको भी तुम करके जाओ, उसको छोड़ के मत जाओ। उसके कम से कम आप फॉर्मूलाज करके जाओ, उसके जो बेसिक्स हैं, बेसिक क्वेश्चन है वो करके जाओ, उसके PYQ जो वो करके जाओ, इतना करके जाओ, क्योंकि हो सकता है कि जो डिफिकल्ट चैप्टर उससे ईजी क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्च अटेम्प्ट से पहले सारा का सारा सिलेबस जो तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? और मैथ्स में बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, अभी 3-4 दिन अपने ये पेपर्स चलेंगे, ठीक है? तो पेपर्स जो अभी 2021 में है तुम्हें अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वो यहीं पे क्लास में हो जाएंगे। और फिर इन्हीं पे बेस्ड, जैसे आज वाले में क्या क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक है, कॉम्प्लेक्स है, फिर प्रोग्रेशन है, फिर बाइनोमियल थ्योरम है, फिर रीजनिंग है। तो इन्हीं पे बेस्ड तुम्हें एक DPP मिलेगी 25-30 क्वेश्चंस की, उस DPP को अच्छे से करके आना है, ठीक है ना? मेन रोल सबसे ज़्यादा उसका रहेगा, मतलब उसको एकदम बिल्कुल सीरियसली एक एक क्वेश्चन जो उसको सोल्व करके आना है, और जो भी डाउट हो फिर अगले दिन पूछ लेना है। तो ये अपना प्रोसीजर जो रहेगा।
और बाकी जिनका भी मन नहीं लगा वो अभी मन भी लगा लो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, पढ़ाई में ही लगाना, लेकिन सिर्फ और कहीं पे ऐसी जगह मत लगाना ना, थोड़े एग्जाम के बाद में देखनी है बाकी सब चीजें। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, बताओ क्या करना चाहिए इसके अंदर। क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको आपके पास में एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, तो वहां से उसका क्या निकालना चाहिए, सेंट्रोइड निकालना चाहिए ना। तो सेंट्रोइड क्या होता है आपके पास में, वर्टिसेस का सम डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले एक्स जो कोऑर्डिनेट है एब्सिसा, उसके सम डिवाइडेड बाय 3 जो है वो आपके पास में कितना आएगा, 2a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, और एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन एज 10/3। सिमिलर वे में वो कितना आ रहा आपके पास में, 2b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 7/3, ठीक है सर। चलिए इसके बाद में देखो, यहां से a जो उसकी वैल्यू डायरेक्टली आ गई आपके पास में, कितना आ रहा है यहां से 4 आ गई a की वैल्यू, और ये यहां से देखो जरा कितना मिलेगा, 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 7। आपके पास में एक रिलेशन और गिवन है, abc जो ap में, इसका मतलब वहां से 2b इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, a प्लस c, ठीक है। तो अब यहां से 2b की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, तो ये कितना बनेगा, a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 7, और a जो आपको कितना गिवन है 4, तो c की वैल्यू आ गई बेसिकली यहां से कितनी, 3/2, ए फाइंड हो गया, सी फाइंड हो गया, बी डाल दो किसी भी इक्वेशन में ना, जैसे यहाँ पे डालेंगे तो 7/7 - 3/2 ना 11/2, और बी जो उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11/4, ठीक है। आगे देखो इसने क्या बोला है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ए आपके पास में कितना था 4x² प्लस bx का मतलब हो गया 11/4x, और ये लीजिए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 16x² प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको देखो जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा, एक माइनस अल्फा बीटा पहले से था तो ये कितना आ गया, माइनस 3 अल्फा बीटा, क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा जो वो आपके पास है माइनस 11/16, और अल्फा बीटा जो वो कितना है 1/4, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में क्या बोला गया, देखो 4 नंबर्स व्हिच सम इज 65/12 आर इन जीपी, चार नंबर आपके पास में गिवन है जो बोला गया जीपी में, ठीक है। तो जीपी में कोई भी चार नंबर सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, ए ए आर, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यू, ठीक है। आप इनको कुछ भी लेट कर सकते हो, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। चलिए उसके बाद में इसका बोला गया सम जो वो इनका 65/12, तो इनका सबका सम करेंगे तो ऐसा देखो कुछ आ गया, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 65/18। आगे बोला गया सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो रेसिप्रोकल्स का सम अगर करेंगे तो यहां से क्या आ रहा, 1/a, 1 प्लस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर क्यू, इट इज गिवन एज 65/18। अच्छा ये कितना था, 12 गिवन था, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो वही बनेगा, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में देखो यहां से कितना बनेगा, ये ऊपर गया ए स्क्वायर आर क्यूब बन गया के? ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ देम, तो इनका सबका प्रोडक्ट जो वो आपको गिवन है, तो ये कितना है, ए क्यूब आर क्यूब, ये आपको गिवन है 1, अगेन दोनों को डिवाइड कर दो, तो बेसिकली यहां से 1 अपॉन ए जो वो आ गया आपके पास 3/2, यानी ए जो है उसकी वैल्यू आ गई 2/3,
ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो आर मिल जाएगा, ठीक है ना, ए की वैल्यू यहाँ पे डाल देना आर मिल जाएगा। फिर आगे इसने पूछा थर्ड टर्म इज अल्फा, तो यहां से ए आर स्क्वायर जो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सिंपल है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना उस टाइम, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेन चला लो थोड़ा। अच्छा अभी तक स्टार्ट नहीं किया तुमने कुछ? नहीं, मैं देख रहा था। अच्छा देखने में मजा आ रहा था तेरे को? नहीं, थोड़ा माइंड में प्रोसेस। अच्छा माइंड में प्रोसेस चल रहा है, हैवी कैलकुलेशन। तुमने अपने मार्क्स चेक तो नहीं किया ना अभी? नहीं, सही किया तुमने। और थोड़ा पेन चलाओ जल्दी जल्दी से। कितने आएंगे? अच्छा उससे ज्यादा होंगे ना, बस और क्या ही चाहिए जिंदगी से। अब इस बार उससे भी ज्यादा लाने है ना। चलो तो पेन चलाओ साहब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी सोल्व करते रहो साथ में, क्या तेरे भी पीछे माइंड में चल रहा है सब? हो गया नहीं हुआ? करने से होगा ना। चलो चलो आगे बोला गया। देखो देर आर टू पॉजिटिव नंबर्स P एंड Q सच दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 2, और आपके पास में यहां से P रेस टू पावर 4 प्लस Q रेस टू पावर 4 जो दैट इज गिवन एज 272। ठीक, आगे देखो इसमें क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर P एंड Q। तो एक क्वाड्रेटिक फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो वो आपको गिवन है, अब बेसिकली आपको P इंटू क्यू जो फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, देखो यहां से सबसे पहले इसको या तो यहीं से आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो यहां से अगर देखो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां पे आपको देखो रिजल्ट ये गिवन है ना, तो ये कब मिलेगा, जब एक बार और स्क्वायरिंग करेंगे। बट यहां से देखो अगर डायरेक्टली आप इसी का स्क्वायर कर दोगे, डायरेक्टली अगर इसी का स्क्वायर कर दोगे तो टर्म्स वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी बन जाएंगी ना। तो एक काम करते हैं, एक टर्म को उधर ले जाते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2PQ, इसका आप कर दो दोनों साइड होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या बनेगा, एक आएगा आपके पास पी रेस टू पावर 4 प्लस क्यू रेस टू पावर 4, उसकी वैल्यू आपको गिवन है 272, साथ में एक क्या बनेगा 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16PQ, ठीक है, ऐसा बन गया। चलिए तो अब सारी टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ, 2 से डिवाइड भी कर दो ना, तो 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर बनेगा, वहां से 2 से डिवाइड किया तो आ गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक बनेगा माइनस 8PQ, और ये देखो यहां से कितना बनेगा, इसमें से 16 गए तो ये बन गया 62, 56, 128 बच गए, 128 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपली इसके देखो आप फैक्टर कर सकते हो इजीली, ठीक लिखा है, ऐसा आ जाएगा। तो PQ की दो वैल्यू जो बेसिकली आपके पास में यहां से आ रही है 16 एंड माइनस 8, कौन सी लेंगे 16, तो बस ये PQ आ गया। तो अब तो इक्वेशन निकाल सकते हो ना, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ क्लियर, माइनस 8 क्यों नहीं ली,
अच्छा दे रखा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना पहले सवाल पढ़ लेता तो ये नौबत नहीं आती ना आज। चलो आगे, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर फोर में देखो आपके पास में बेसिकली एक इनइक्वलिटी जो हो ना वो गिवन है। ये लिखा हो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ 3k-1 इंटू एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, 8k² - 7 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपके पास में देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब आपके पास में एक क्वाड्रेटिक जो गिवन है, तो आप हमेशा एक ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, ठीक है ना, एक रफली ग्राफ ड्रॉ करके देखिए। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है हमेशा किस टाइप का बनता है, इस टाइप का या फिर इस टाइप का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो कैसा आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ जो है ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो ये बोला है कि ये एक्सप्रेशन जो हमेशा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा, जब ये ग्राफ जो वो क्या हो, एक्स एक्सिस से ऊपर हो, तभी तो पॉजिटिव रहेगा ना। और एक्स एक्सिस को ये ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स जो वो रियल नहीं है, और रूट्स रियल नहीं है इसका मतलब डी इज लेस देन 0। ठीक है, आगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी क्या। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बोला गया नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू। तो कैसे करना चाहिए इसको, ट्रू टेबल की हेल्प से, ट्रू टेबल से देखो मतलब हो तो जाएगा ही, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसको इसका फाइंड करना पड़ेगा, फिर ऑप्शंस की ट्रू टेबल फाइंड करनी पड़ेगी कौन सी जो मैच कर रही है। तो इसके अलावा फिर कैसे करना चाहिए आपको, आपको नेगेशन इसका देखो फाइंड करना ना, नेगेशन ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ पी का आपको नेगेशन लेना है, तो इसका नेगेशन हट गया तो पी आ गया ना सिंपली। चलिए उसके बाद में देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है और नेगेशन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन। और उसके बाद में ये लिखा नेगेशन ऑफ पी यूनियन, ऐसा आ रहा है। अब इस नेगेशन को देखो अंदर लेके आ जाओ तो पी यूनियन, ये क्या लिखा आपके पास में, नेगेशन ऑफ पी, अगेन यूनियन के साथ में जब नेगेशन लगेगा तो वो फिर से क्या बनेगा, इंटरसेक्शन। और फिर से यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, नेगेशन ऑफ, ठीक है। तो ये यहां से देखो आपके पास में क्या बन गया, P का एक बार नेगेशन लेना, सॉरी P का एक बार इंटरसेक्शन लेना नेगेशन ऑफ P के साथ, और एक बार क्या होगा, P का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है नेगेशन ऑफ Q के साथ। कहां पे, अच्छा ऐसा बनेगा ये कुछ। तो एक मेथड तो हो गया इसका ये, दूसरा आप इसको सेट के थ्रू भी कर सकते हो, है ना, सेट से किया था। तो सेट में देखो आप यहां पे क्या करोगे, आपके पास में इसका नेगेशन फाइंड करना था, तो बेसिकली दो सेट जो आपको गिवन है, एक सेट P गिवन है आपको और एक दूसरा सेट Q गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो। तो सबसे पहले देखो यहां से चलते जाओ, एक आपके पास में रीजन जो दे रखा है पी यूनियन क्यू, है ना, पी यूनियन क्यू वाला जो रीजन है वो तो पूरा हो जाएगा नहीं, P union Q वाला जो रीजन है वो तो ये पूरा का पूरा आ गया ना, जिसके अंदर P भी आएगा और Q भी आएगा। इसका इंटरसेक्शन लेना आपको नेगेशन ऑफ P के साथ, तो सबसे पहले आप नेगेशन ऑफ P देखिए, नेगेशन ऑफ P क्या है, नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या हो गया, बेसिकली P को छोड़ के बाकी सब, है ना, तो वो इस टाइप से कुछ आ गया,
ठीक है। और अब क्या लेना, नेगेशन ऑफ पी का इसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो कॉमन पार्ट है वो लेना है। तो कॉमन पार्ट देखो यहां पे कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब इसको लिखने के देखो काफी तरीके हो सकते हैं। अगर सिर्फ अपन ये इस पार्ट को लिखें तो पूरे क्यू में से या तो आप माइनस कर दो पी इंटरसेक्शन क्यू, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो क्या लिखेंगे इसको, जैसे फर्स्ट वाले में बोला गया इसको पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, यानी क्यू को छोड़ रहा है वो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास में नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे होना चाहिए फिर, ठीक है। ये किसकी शिफ्ट में आया था, अच्छा ये कौन सी शिफ्ट थी जिसमें इतने बच्चे थे, 24th की सेकंड, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स किसके शिफ्ट में था, ये भी 24th की सेकंड में था, अच्छा ये दो, ये फर्स्ट में था, ओके हाँ, मतलब ये और नीचे वाले देखने में एक जैसे लग रहे होंगे इसलिए कंफ्यूज। चलो सिक्स को कैसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, ट्रू टेबल बना लेंगे ना इसकी, तो बना लोगे क्या आपके पास में, देखो एक में ये करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वाला आप कर लेना। ए और बी कोई भी दो स्टेटमेंट ले लो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों ट्रू हो जाए, दोनों फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स ये ट्रू और ये ट्रू ये फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो उसको सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट में देखो एक यहां पे आपको क्या जरूरत पड़ रही है, ए इंप्लाइज बी की जरूरत पड़ रही है ना, ए इंप्लाइज बी, तो ए इंप्लाइज बी ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसकी ट्रू टेबल में क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा, अगर ये दोनों फॉल्स है तो भी ये ट्रू होगा। फिर दो केस आपके पास में क्या बचेंगे, जब एक फॉल्स और दूसरा ट्रू, तो आपको हमेशा किसकी बात माननी होती है, जिसकी तरफ एरो हो, ठीक है ना। सिंपल ऐसे याद रखो कि अगर ए इंप्लाइज बी है तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू होगा, और अगर दोनों में से एक फॉल्स और एक ट्रू है तो जिसकी तरफ एरो है वही हम लेंगे, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, यहाँ पे देखो एक फॉल्स एक ट्रू है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो किसकी बात मानेंगे, बी की, तो ये ट्रू, यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, क्लियर है, बना पाओगे ए इंप्लाइज बी की। अब आगे देखो इसमें और क्या चाहिए, इसको एक स्टेटमेंट चाहिए ए इंटरसेक्शन ए इंप्लाइज बी, यानी इन दोनों का आपको क्या चाहिए इंटरसेक्शन, तो इन दो स्टेटमेंट का जो एंड है वो तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो। तो यहां पे देखो ट्रू ट्रू से ट्रू आ गया, फिर फॉल्स ट्रू का क्या आ गया फॉल्स, फिर फॉल्स एंड फिर फॉल्स, उसके बाद में एक और आपके पास में देखो क्या जा रहा है, यहां से बी जा रहा है ना, ये पूरा आपके पास में स्टेटमेंट लिखा हुआ है और यहां से बी की तरफ जा रहा है, तो फिर से इस वाली टेबल से आपको यहां पे जाना है और दोनों के बीच में क्या है एरो है, यानी इंप्लाइज है, तो इसका मतलब फिर से वापस से सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, दोनों ट्रू है तो क्या होगा ट्रू, दोनों फॉल्स है यहां पे तो क्या होगा ट्रू, अगर यहां पे एक फॉल्स है एक ट्रू है तो किसकी तरफ, किसकी बात मानेंगे, जिसकी तरफ एरो है, एरो वहां पे देखो बी की तरफ है, तो ये कितना आएगा यहां पे ट्रू, और ये फिर से दोनों फॉल्स है तो ये भी कितना आएगा ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो वही आपके पास में टोटोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये आपकी किस्मत होती है एग्जाम में कि फर्स्ट ऑप्शन जो वही टोटोलॉजी निकल जाए, वरना तो चारों वहां पे आप चेक करते रहो। एक मिनट, नहीं नहीं तो ऐसे थोड़ी करेंगे, यहां पे देखो जैसे इस बच्चे का कंफ्यूजन है कि पहले हम इस वाले पार्ट को सोल्व कर लें, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, इस वाले पार्ट को पहले सोल्व करके फिर ये, नहीं कर सकते ना, वो जो सीक्वेंस होती है उसी से हम उसी को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी ऑपरेशन हम लगा दें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा क्या, अरे बोलो जल्दी से, हो जाएगा पक्का,
नेगेशन लेना है बेसिकली ना, और नेगेशन भी वैसे आपको ये वाला यूज करना है कि यहां पे अगर ए इंप्लाइज बी होता है, ए इंप्लाइज बी होता है, तो इसका जो नेगेशन अगर आप लोगे, नेगेशन ऑफ ए इंप्लाइज बी, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, नेगेशन ऑफ बी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ ए, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहां तक, चले आगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे देखो बोला गया जेड स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा जेड होगा ना वो, इसको करेक्ट कर लेना। 8 तो जो क्वेश्चन है उसके अंदर जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड उसको कर देना, जेड स्क्वायर प्लस में अल्फा जेड। क्या हुआ, हो गया सोल? तो क्या कर नहीं रहा तुम, मजा नहीं आ रहा तेरे को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे बोलो जरा, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो ना, ऐसा लिखा हो आपके पास ये, और क्या बोला गया हैज वन रूट वन माइनस टू आयोटा ना, इसका एक रूट जो उसके लिए बोला गया कि वन माइनस में टू आयोटा है। तो सेकंड रूट क्या होगा इसका, वन प्लस टू आयोटा ना। जब भी आपके पास में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और उसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल होने चाहिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि अल्फा बीटा रियल है, तो उस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते थे कि अगर एक रूट एल वन माइनस टू आयोटा है तो दूसरा रूट वन प्लस टू आयोटा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब कोफिशिएंट जो कैसे हों, रियल, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो तो अब तो सारी चीजें निकल ही जाएंगी ना यहाँ से, अल्फा बेसिकली आपके पास में सम ऑफ रूट्स हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो अल्फा जो वो कितना आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ टू, और बीटा जो वो क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी वन प्लस फोर, तो माइनस टू माइनस फाइव। ये नाइन्थ क्वेश्चन तो जिसके शिफ्ट में है सबका सही हुआ होगा, हाँ ये आ चुका है, पहले भी आ चुका है ये। हाँ अरे बता दे, नाइन्थ बताना है क्या, बता दें, सही है, सही है ना। चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देख लो फिर से देख लो इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक में। ए एन आपके पास में गिवन है अल्फा रेस्ट टू पावर एन माइनस में बीटा रेस्ट टू पावर एन, और बोला गया कि अल्फा बीटा जो रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर इसका रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है कि अल्फा की पावर एन जैसा अपने को कुछ दिखे। अब अल्फा की पावर एन देखो यहां से कैसे बनेगा, किससे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, अल्फा की पावर किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि यहाँ पे अल्फा की पावर एन बने, एन माइनस टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया अल्फा की पावर एन, फिर से इसको भी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर एन माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब अल्फा और बीटा जो दोनों इसके रूट्स है, तो दोनों इसके रूट्स है, तो जैसे अल्फा में ये इक्वेशन आई है सेम वैसे ही बीटा में भी आएगी, एक बीटा की पावर एन माइनस वन माइनस टू बीटा की पावर एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसके आगे डिपेंड करता है, आपको कई बार वो क्वेश्चन में यहाँ पे देता है ए एन जो है वो अल्फा की पावर एन माइनस में बीटा की पावर एन के इक्वल, वो यहाँ पे आपको प्लस भी दे सकता था, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। तो इसके बाद में अपने को क्या करना होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास में ए एन जो है वो क्या गिवन है। तो यहाँ पे जैसे क्या चाहिए आपको, दोनों का डिफरेंस चाहिए, वो डिफरेंस कैसे आएगा जब इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करें, तो इनको अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या बन रहा है आपके पास में, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, और ये देखो जरा किसके इक्वल है, ए एन के इक्वल। तो एक आ गया आपके पास ए एन, माइनस सिक्स यहां से बाहर लेंगे तो अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन, ये कितना बनेगा, ए एन माइनस वन बनेगा ये, और फिर ये माइनस में कितना बनेगा, ए एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है। अब जो भी एक्सप्रेशन जैसे आपको पूछा जाता है, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन पूछा है वो कब मिलेगा, जब एन की वैल्यू हम क्या डालें, अरे बोलो एन की वैल्यू क्या डालने पे गिवन एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू मिलेगी, 10 डालें तो एन की वैल्यू 10 डाली तो ये देखो ए 10 माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए 8 इज इक्वल टू 0, और जो इसको चाहिए उसमें क्या बोला है ए 10 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए 8 ये आ गया 6 टाइम्स ऑफ ए 9 है ना। अब 3 ए 9 की वैल्यू पूछिए तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे ना, ए 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए 8 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ ए 9 इज इक्वल टू, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इजी था 10 तो ना, इसमें तो डायरेक्टली आपको दिख रहा था, वैसे काफी बार एम जी एम का पता नहीं लगता क्वेश्चन में कहां पे अप्लाई करना है, बट यहां पे तो आपको डायरेक्टली दिख रहा था ना ये चीज। डायरेक्टली जो का जो एक्सप्रेशन आपके पास में लिखा हुआ उसी के अंदर एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम अप्लाई कर देना, कोई डाउट इसमें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इस बार बाइनोमियल से कम सवाल पूछे गए है ना, बाइनोमियल का जैसे एक ही क्वेश्चन है इसमें पूरे में। चलो क्या करना चाहिए इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर n सच दैट 3 की पावर n प्लस 7 की पावर n इज डिविजिबल बाय 10। अच्छा ये तो पीएनसी का सवाल है, चलो कोई ये आपको देखो बोला गया 3 की पावर n प्लस 7 रेस टू पावर n, सारे टू डिजिट के नंबर आपको फाइंड करने जिससे कि ये नंबर जो क्या हो 10 से डिविजिबल हो। तो 10 से डिविजिबल कोई नंबर कब होगा, 10 से डिविजिबल कब होगा जब उसके लास्ट में 0 हो, और साथ ही साथ में आपको टू डिजिट के नंबर चाहिए। तो टू डिजिट के नंबर देखो यहां से कब आएंगे, पहली चीज तो यहां पे ये जो वो ओड बने और ये भी ओड बने, ऐसा होना जरूरी है ना, तभी बन सकता है सब। तो यहां पे देखो एन की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो, यहां से एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये आपके पास में कितना बन रहा है 10 बन रहा है। अब उस क्या हो गया, क्या हो गया, एन जो है वो टू डिजिट होना चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर एन। अच्छा ओके ओके, एन जो है वो टू डिजिट होना चाहिए। तो यहां से बेसिकली आप देखो कि एन जो उसकी वैल्यू हम ओड में क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि सम जो वो कितना बने, लास्ट में कितना आना चाहिए आपके पास में 0 आना चाहिए, 1 0। तो एन की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करें, आप यहां से पहले ऑब्जर्व कर सकते हो एन की छोटी वैल्यू जो लेके ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे एन आपने 1 लिया तो यहां पे ये कितना बन रहा है 10, ठीक है। चलिए देखो एक बार एन जो उसकी वैल्यू आप 2 लीजिए, एक बार एन की वैल्यू 2 लोगे तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट करो जरा जल्दी से, 58। एन की वैल्यू अगर आपने 3 ली कितना आ रहा है 370, ऐसा आ रहा है। उसके बाद में जैसे n की वैल्यू आप क्या लोगे आगे 5 लोगे, तो वहां से देखोगे n की वैल्यू जब आप ओड ले रहे हो तो उस केस में क्या बन रहा है, ये नंबर जो वो 10 से डिविजिबल बन रहा है ना। तो ओड वाली सारी डिजिट्स जो है उनका सम ले लो आप, क्या क्या आएंगी 11 13 15 17 से लेके कहां तक जाएगा 99, ठीक है। आपके पास में एक एपी लिखी हुई है उसका सम निकाल सकते हो इजीली ना, कॉमन डिफरेंस 2 है, क्या पूछे है? तो इनको काउंट कर लो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, ये 45 टर्म्स, क्लियर है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से मतलब आपको पूछा जाता है ना डिविजिबल, तो उनमें हमेशा क्या होता है कोई ना कोई पैटर्न बनता है, तो आप कोई भी छोटे नंबर से लेके स्टार्ट कर दो। वैसे तो ये वाला तो ज्यादा आसान था, इसमें डायरेक्टली आपको दिख रहा था कि ओड नंबर लेने से वो 10 से डिविजिबल बनेगा, बट अगर मान लो कि कुछ ओड नंबर पूछता है तो उसमें आप छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए और वहां से पैटर्न जो है उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या पैटर्न जो फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आपको क्या बोला गया, द समीशन ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी इज दिस,
ठीक है, तो एक जीपी देखो लेट कर लो आप, एक जीपी क्या होगी, ए ए आर ए आर स्क्वायर, इस टाइप से एक जीपी कुछ भी चल रही है आपके पास। अब इसमें आपको गिवन है समीशन ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, तो सेकंड टर्म जो है उसको आप क्या लिखोगे ए आर, और जो सिक्स्थ टर्म है उसको क्या लिखोगे ए आर की पावर फाइव, एन टर्म होती है ना ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन। चलिए इन दोनों का समीशन जो वो बोला गया है आपको 25 डिवाइडेड बाई 2, तो वहां कर दिया था तुमने, कैसे करेंगे बताओ जरा। माइंड कैलकुलेशन काफी फास्ट है, याद है। अच्छा अच्छा ये सही है दोबारा, ठीक है ऐसा आ गया ना। इसके बाद में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, तो थर्ड टर्म आपके पास में क्या होगी ए आर स्क्वायर, और कौन सी टर्म बोली फिफ्थ टर्म, वो होगी आपके पास में ए आर एस टू पावर फोर, इसकी वैल्यू जो आपके पास गिवन है 25। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहीं से अपने को फाइंड करना चाहिए ना कुछ, यहां से ए स्क्वायर आर एस टू पावर सिक्स, इसकी वैल्यू जो वो मिल रही है आपको 25, और यहां से आपके पास में देखो क्या मिलेगा, जरा ए को कॉमन ले सकते हैं, ए आर को कॉमन ले सकते हो आप, वन प्लस में आर रेज टू पावर फोर, इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है 25/2। क्या तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, क्योंकि बेसिकली आपको क्या चाहिए, दो इक्वेशन है तो उसमें से ए आर को एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों को क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, लेकिन डिवाइड करोगे तो यहां पे एक ए बच रहा है, तो इसका मतलब दो चीजें आप कर सकते हो, या तो इसका स्क्वायर करके फिर डिवाइड कर दो, या फिर इसका अंडर रूट लेके फिर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका अंडर रूट लोगे तो ये कितना बन रहा है, ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब यहां से आप ए जो है उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहां पर डाल सकते हो ना, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5 अपॉन आर क्यू इंटू आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई। चलो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से देखो एक 5 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू आ गया 5/2। तो ये देखो जरा कितना बन रहा है, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2, तो 2 प्लस 1/2 बन गया, 2 प्लस 1/2 है ना, तो आर स्क्वायर जो उसकी वैल्यू बेसिकली आ गया आपके पास 2, या फिर 1/2, तो 1/2 वाली लेंगे क्या, क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला इंक्रीजिंग जीपी है, इसका मतलब आर जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, तो आर की वैल्यू जो आगे बेसिकली आपके पास अंडर रूट 2। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो ए मिल जाएगा आपको, ए कितना मिलेगा 5/2√2। अब तो इजी है ना, जो इसने पूछा है समीशन ऑफ 4 6 एंड 8th टर्म फाइंड कर सकते हो इजीली, ए आर क्यू प्लस ए आर 5 प्लस में ए आर 7। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, में देखो आपके पास में एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया कि हैज रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, देन फाइंड गामा, द फाइंड गामा, देन क्या पूछा गया, अच्छा ये बीच वाली ऐसा ही कुछ लिखा ना, तो इसको ऐसे लिख लो कि इसके रूट जो वो बेसिकली अल्फा बीटा गामा है, तो आपको ये पावर फाइंड करनी है ना, अल्फा की पावर 162 प्लस बीटा की पावर 162 प्लस गामा की पावर 162, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ये इक्वेशन देखो जरा आपके पास में क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट हीट एंड ट्रायल्स, तो हीट एंड ट्रायल से दिख रहा है आपको 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, अरे क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने आते हैं ना, नए वालों को भी आते हैं सबको, तो ये यहां पे देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर यहां पे एक ले लो आप प्लस 1, तो ये कितना आ गया प्लस एक्स बन गया यहां पे, या माइनस एक्स बनेगा,
ये x हो गया और ये माइनस x, ठीक है, ऐसा आ गया। तो इसके देखो यहां पे ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, तो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक रूट आ गया आपके पास वन। तो अब इनकी पावर 162 लेनी है ना, तो अल्फा की पावर 162, वन की पावर ये वन बन गया, बीटा की पावर 162, माइनस ओमेगा रेस टू पावर 162 एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर 162, ठीक है। चलो अब इसके बाद में यहां पे देखो क्या होगा, पावर इवन है तो ये हट जाएगा, और पावर कैसे फाइंड करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करके, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, डिविजिबल है 3 से, तो ये कितना बनेगा, ओमेगा क्यूब की पावर समथिंग बनेगा, 1 बन गया, और वो भी सिमिलर वे में कितना आएगा, 1, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, में आपके पास में देखो जो सीक्वेंस गिवन है वो कौन सी सीक्वेंस है, जीपी दिख रही है, जीपी, एक जीपी है ना जिसकी फर्स्ट टर्म जो वो -16 है और जिसका कॉमन रेशियो जो कितना -1/2, करो इसको सोल्व, क्या करना चाहिए, अरे पेन चला लो थोड़ा, आगे बैठ के नहीं चला रहे हो, पीछे से तो वैसे नहीं दिखते, लेकिन आगे तो चला लो कम से कम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करनी चाहिए, इसकी pth एंड qth टर्म फाइंड करनी चाहिए, है ना। तो pth टर्म, pth टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, a इनटू में r रेस टू पावर p माइनस 1, a फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है -16, r इसका कितना आया था -1/2 रेस टू पावर p माइनस 1, और सिमिलर वे में tq जो कितनी आएगी -16 इनटू में -1/2 रेस टू पावर q माइनस 1। अब देखो आगे इसने क्या बोला है, वुज ए एम एंड जी एम ऑफ पी एथ एंड क्यू एथ टर्म आर द रूट्स, तो ए एम जो है इसका मान लेते हैं हम कुछ ए है, ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन जो वो इनका ए है, तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, तो -16 वहां से कॉमन आ गया, डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया -8 इंटू में -1/2 रेस टू पावर पी माइनस 1 प्लस -1/2 रेस टू पावर क्यू माइनस 1, ये इन दोनों का क्या है, अरिथमेटिक मीन। इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन को एक बार हम कुछ बोल देते हैं जी, ठीक है, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई पावर 1/2, तो 16 इंटू 16 256 पावर 1/2 किया तो 16, और ये -1/2 की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, कितना बनेगा p प्लस q माइनस 2 और होल पावर इसकी 1/2, ठीक है। ये a और g आ गया, अब इसने क्या बोला है कि ये a और g जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, 4x² - 9x + 5 = 0, है ना, इसके रूट्स क्या बोला, a एंड g, इसका मतलब a प्लस g जो है वो आपको गिवन है 9/4 और a इंटू g जो है वो आपको कितना गिवन है 5/4, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड p प्लस q, तो अब यहां से फाइंड कर सकते हो, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई जो वो कर लो, है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्या, इसके रूट्स आ जाएंगे, अच्छा कितने आ रहे हैं,
5 बाई 4 एंड 1, फिर तो डायरेक्टली इक्वल कर दो इसके, है ना। जैसे g को अगर आप इक्वल टू 1 करोगे तो 1 के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे सपोज ये वाला रूट जो उसकी वैल्यू 1 हो जाए, है ना। am जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा, तो इसका मतलब am जो है वो आपके पास में कितना होगा 5/4, और g जो है वो 1 होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो देखो आपके पास में 1 है और इसकी वैल्यू जो 5/4 है, तो इसमें 16 को इधर लेके आ जाओ, तो -1/2 की पावर p प्लस क्यू माइनस 2 की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/16, और 1/16 को आप क्या कर सकते हो 1/2 raised to power 4, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो क्या होगा, दोनों साइड में या तो पावर जो उसको कंपेयर कर दो, p प्लस क्यू माइनस 2/2 जो किसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है, हो गया, कोई डाउट इसमें? माइनस का क्या हुआ? माइनस कौन है? अब सेट है मामला। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपके पास में क्या क्या गिवन था। एक नंबर कुछ pn जो है वो आपके पास गिवन है, अल्फा रेस टू पावर n प्लस में बीटा रेस टू पावर n। एक आपके पास में गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। तो बेसिकली यहां से इक्वेशन तो फाइंड कर ही लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब इसने देखो आगे क्या बोला, pn माइनस 1, pn माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11, और एक आपको गिवन है pn प्लस 1 इज इक्वल्स टू 29, तो आपको pn स्क्वायर जो फाइंड करना। ठीक है, क्या करना चाहिए इसमें, देखो pn माइनस 1, pn माइनस 1 अगर आपको लिखना है तो ये क्या बनेगा, अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस में बीटा की पावर n माइनस 1, ये आपको गिवन है 11, ठीक है। एक आपके पास में pn प्लस 1 गिवन है, तो वो क्या बनेगा, अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस में बीटा की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 29। अब देखो आपको जो फाइंड करना है वो pn फाइंड करना है बेसिकली, ना pn के लिए क्या चाहिए, अल्फा की पावर n प्लस में बीटा की पावर n जैसा कुछ है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से सबसे पहले इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं ना, ठीक है। अगर देखो सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दो, तो अल्फा की पावर n जो तो बाहर आ गया, यहां पे क्या बचा, एक क्या बचेगा इसमें से सबट्रैक्ट करें, अल्फा बचेगा क्या, माइनस का 1/अल्फा, ठीक है। चलिए यहां से इसमें से देखो ये माइनस करेंगे तो बीटा की पावर n बाहर आ गया, बीटा माइनस 1/बीटा इज इक्वल्स टू, इसमें कोई डाउट है क्या। अब देखो ये आपके पास में क्या बन रहा है, अल्फा की पावर n इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा, बीटा की पावर n बीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, दिख गया कुछ। यहां पे देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 आपको चाहिए, और अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है बेसिकली, है ना। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 जो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा आ गई, तो अल्फा से अल्फा कट गया, इधर बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n कितना आ गया 18, यही क्या है pn है, इसका स्क्वायर पूछा तो 324, ठीक है। और इस सवाल को करने का और कोई तरीका बोलो, और कुछ हो सकता है,
जैसे इसके रूट्स जो वो बेसिकली क्या आ रहे हैं, हाँ ना, तो इसका एक रूट आ रहा है आपके पास में रूट रूट फाइव प्लस वन बाई टू, और एक रूट आ रहा है आपके पास में, इसको ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट फाइव माइनस वन बाई टू, ठीक है। अगर इसको टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो अंडर रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, ऐसा एक्सप्रेशन देखा हुआ लग रहा है कुछ, अंडर रूट फाइव माइनस वन बाई फोर और अंडर रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, अरे देखा है क्या कहीं साइन में कुछ वैल्यू होती थी एंगल्स की, तो इसको 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये बेसिकली आपके पास में लिखा 2 cos 36 डिग्री, और अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई 4 जो क्या होगा साइन 18 डिग्री, तो और बाहर माइनस एक 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा माइनस में 2 साइन 18 डिग्री, ठीक है। ये इसके रूट जो बेसिकली आपको गिवन है, लेकिन वही इससे भी लेंथी होगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड सही है ना, बस इसमें ये थोड़ा ध्यान रखा करो कि आपको टर्म्स उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना, टर्म्स को कैसे मैनेज करना है जिससे कि आपको जो रिक्वायर्ड है एक्सप्रेशन है वो मिल जाए बेसिकली, ठीक है। चले फिर आगे, अगले वाले में देखो क्या बोला, द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स हुज एचसीएफ विद 18 इज 3 इक्वल्स, क्या बोलना चाह रहा है, द नंबर ऑफ फोर एचसीएफ विद 18, हाँ ये मतलब है इसका, सही लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फोर एचसीएफ विद 18 इज 3, अच्छा ओके ओके, बेसिकली आपको वैसे फोर डिजिट नंबर्स बताने हैं जिनका एचसीएफ 18 के साथ लोगे तो 3 आना चाहिए, ऐसा। ये किसकी शिफ्ट में आया था, तुम्हारी में आया था, कैसे करेंगे फिर इसको, नहीं कर रहा, जल्दी करो इसको, बाकी लोग सब फटाफट से क्या करना चाहिए इसके अंदर, रुक जाओ इस बच्चे की बात सुनने दो, हाँ बोलो, ऐसे डिजिट्स निकाल ले चार नंबर के जो उसमें 3 का भाग जाता हो, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, ऐसे फोर डिजिट्स नंबर निकाले जो 3 से डिविजिबल हो, मैं बता दे ये करता, अच्छा फिर उसके बाद तो क्या करेंगे, ये सॉल्व करूंगा अगर हो जाए तो, ठीक है करो फिर जल्दी से करके दिखाओ फटाफट से, 3 डिजिट की बात कहां से आ गई, 3 से डिविजिबल होने वाले 4 डिजिट के नंबर निकाल, वो नंबर निकालेंगे जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 से नहीं होना चाहिए, ऐसा, उसको फाइंड कैसे करेंगे, अरे बातें थोड़ी करनी है, सोल्व करो सोल्व करो, हाँ अच्छा, तो फिर वो कैसे निकालेंगे, एक एक डिजिट का सम देखेंगे, पीएनसी का कैसे करेंगे बताओ थोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो वो कितना आना चाहिए, 3 के आना चाहिए, के की वैल्यू रखते जाएंगे, क्या रखेंगे के की वैल्यू, 1 2 3 से तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा वो, और थोड़ा सोचो, नहीं थोड़ा और ट्राई करो, सही सोच रहे हो, थोड़ा और ट्राई करो, हाँ हाँ बताओ क्या करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, थोड़ा सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो, सोचने से दिमाग जो डेवलप होता है ना, इसका कोई नुकसान नहीं है इसमें, थोड़ा सोचो और पेन चलाओ, ऐसा
क्या 3 के मल्टीपल ही होते हैं 369। तो क्या 4 डिजिट पे जाना है अपने को? हाँ क्या क्या लिखे तुमने, कौन से नंबर्स लिखे? अच्छा 4 डिजिट के नंबर लिखे तुमने, कहाँ से स्टार्ट किया? अच्छा 0 से स्टार्ट। बिल्कुल, मतलब बेसिकली पैटर्न जो आपको फॉलो करना है। जैसे इसने देखो क्या बोला, 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर पे हम बाद में जाएंगे। पहले तो सिंपल आप सोचो कहाँ पे गया, वुज एस ए विद 18 इज 3 आना चाहिए ना। तो जैसे बेसिकली आपके पास में इस टाइप से कुछ सीरीज होती है 3, 6, 9, 12, इस टाइप से चलते जाओ। ये 3 से डिविजिबल सारे नंबर्स हैं। अब इनमें से अपने को कौन से लेने हैं? ऐसा नंबर लेना जो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और 9 से नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे नंबर कौन कौन से लोगे आप? यहाँ से 3 लेने, 3 के बाद 15, 15 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? यहाँ पे जैसे 24 है, 27 है, इस टाइप से चलता जा रहा है। तो अगला नंबर कौन सा आएगा? 21। उसके बाद में कौन सा आएगा? 33। तो कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे? क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? हाँ, बेसिकली आपके पास में 2 सीरीज जो चलती जाएगी। जैसे ये यहाँ पे 15 है और इसके अंदर आप 12 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? नहीं, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? 15, 12 आ रहा है ना। यहाँ से सीरीज नहीं बन रही है। 3, 15, 21, 33। अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर बताना एक बार। क्या अब यहाँ से भी 2 सीरीज बनेंगी? इसका अगला नंबर एक और बताओ, 51। अब देखो इनमें कौन कौन से नंबर जो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इन दोनों का गैप कितना है? 18। इन दोनों का गैप कितना है? 18। तो अगला आपके पास में क्या बनेगा? 57। तो 2 सीरीज बन रही है, इनमें से एक का जो 18 आ गया, दूसरा ये भी फॉलो कर रहा है। यहां पे कितना आ रहा है? यहां पे भी 18 ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपको सीरीज लेनी है। अब ये जैसे आपने छोटे नंबर्स में किया, वैसे ये काम कहाँ पे करना है आपको? बड़े नंबर में, 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट आप नंबर स्टार्ट करो, जैसे 4 डिजिट जो सबसे छोटा नंबर है वो ये होगा 1000, है ना। तो 1000 के बाद में आगे जाओ आप, जैसे यहाँ पे जाओगे 1000 कितना आएगा? 3। 1003 जो वो किससे डिविजिबल? 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 1002 नहीं लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके अंदर क्या करोगे आप? 18 जो वो ऐड करते जाओगे। तो आपको देख रहा है कि 18 कितनी टाइम्स ऐड करोगे जिससे कि वो 4 डिजिट नंबर ही बेसिकली आपके पास में रहे। आया क्या कुछ समझ में? नहीं आया? देखो आपको बेसिकली क्या चाहिए था, ऐसे नंबर चाहिए थे जो कि 3 से डिविजिबल हो बट 9 और 2 से डिविजिबल वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले कुछ एक नंबर्स ऐसे सिंपल लिखे जो 3 से डिविजिबल है। अब जो 3 से डिविजिबल नंबर थे उनमें से अपने को जो 2 से डिविजिबल थे वो नहीं चाहिए थे और 9 से डिविजिबल नहीं चाहिए थे, तो उनको हटाते गए, उनको हटाते गए, तो ये सारे नंबर्स आपके पास में बचे जो सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल है। ठीक बात। अब ये जो 3 से डिविजिबल है इसमें अपने क्या किया, पैटर्न को देखा, पैटर्न को ऑब्जर्व किया। तो पैटर्न फॉलो कर रहा था कि यहाँ पे 2 सीरीज बन रही थी जिनका जिनमें 18 का डिफरेंस आ रहा था बेसिकली। ठीक है, तो वही फिर हमने क्या किया, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमने ऐसा फाइंड किया जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा है बट 9 और 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे छोटा नंबर फाइंड कर लिया, तो इसके बाद में क्या करना है, 18 इसमें ऐड करते जाओ, वो सारे नंबर जो आपके पास में क्या होंगे, उनका एचसीएफ जो वो क्या आएगा आपके पास? क्लियर है? आगे बढ़े फिर, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्या 17th में, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस
एंड ऑल रियल रूट ऑफ एफ एक्स लाइज इन द इंटरवल, हाँ मतलब होना तो चाहिए कहीं ना कहीं, तो माइनस एल्फा कोमा माइनस एल्फा प्लस वन ऐसा होना चाहिए, पूछा गया था आपकी शिफ्ट में, अना इसको माइनस एल्फा कोमा माइनस एल्फा प्लस वन कर दो। माइनस एल्फा कोमा माइनस एल्फा प्लस वन इसको लिख लो आप, ये जो इंटरवल आपके पास में गिवन है ना इसको माइनस एल्फा कोमा माइनस एल्फा प्लस वन कर लो। जल्दी से सोल्व कीजिए, हो गया क्या 17? देखो क्या बोला गया, आपके पास में एक फंक्शन एफ एक्स जो वो गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x^5 प्लस 5x^4 प्लस 10x³ प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 10 एंड ऑल रियल रूट ऑफ एफ एक्स लाइज इन द इंटरवल। तो सबसे पहले आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसके रियल रूट जो वो देखने पड़ेंगे कि कौन से आ रहे हैं, है ना। तो रियल रूट्स बेसिकली, वैसे ये जो चैप्टर्स आपके इसमें गिवन है इनमें से किसी का है नहीं है वैसे ना। देखो अगर यहां से आप एफ डेस एक्स एक बार को अगर फाइंड करते हो तो वो देखो कितना आएगा, 10x^4 प्लस 20x³ प्लस कितना बन रहे 30x² प्लस 20x प्लस 10। ठीक है, अगर इसमें से देखो हम 10 को बाहर ले लें तो ये कितना बन गया, x^4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसके बारे में कुछ बोल सकते हो आप, इसके बारे में, इस एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बोल सकते हो कि एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कुछ इस टाइप से इसके बारे में कुछ बोल सकते हो कि इस एक्सप्रेशन के बारे में, बोलो जल्दी, ऑलवेज पॉजिटिव होगा कैसे, ऐसे ही मन कर रहा है। एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से बाहर लेंगे तो आपके पास में देखो जरा क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन रहा है, या फिर 2x 1x इसके साथ में अगर एडजस्ट कर दोगे तो वहाँ से एक बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से कितना बन रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ना, एक बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक एक्स बाहर लोगे यहाँ से देखो, इसको हमने ऐसा लिखा x^4 प्लस 2x³ प्लस में 2x² और एक क्या बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, है ना। अब अगर यहाँ से x² को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
ये आपको क्लियरली दिख रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है बाहर एक्स स्क्वायर, और जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो कैसा है, नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना इसका, तो इसका ये वाला एक्सप्रेशन पूरा ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाला भी पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो उनका सम जो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आप यहां से क्या बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये फंक्शन जो आपके पास में कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि वो आपके पास में जो एक्स एक्सिस है उसको एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक ही रूट होगा। एक बात, अब वो एक रूट जो वो बेसिकली आपको फाइंड करना है कि वो एक रूट जो वो क्या होगा, तो वो रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, वो जो एक रूट है वो आप एग्जैक्टली, पहली चीज तो है कि वो एग्जैक्टली आप कभी फाइंड नहीं कर सकते वो रूट जो क्या आएगा, तो वो कैसे आता है, उसका एक इंटरवल आप बता सकते हो कि कहां पे वो साइन जो चेंज कर रहा है। जैसे कि यहां से अगर एफ एक्स का एक ग्राफ बनाओ तो यहां पे जैसे हो गया जीरो जीरो वन टू थ्री फोर। अब यहां से क्लियरली आपको देखो नजर आ रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हो, समझना ध्यान से, एक्स की वैल्यू को अगर पॉजिटिव लेते हो तो ये एक्सप्रेशन जो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं, और x इज इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू जो 10 है, तो इसका मतलब इधर से तो ग्राफ जो इस टाइप से कुछ आएगा। अब अपने को चेक करना है कि यहां पे किस साइड आके यहां पे x एक्सिस जो उसको इंटरसेक्ट करेगा, तो जैसे कि यहां पे बोल दो कि x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, x इज इक्वल टू माइनस वन पे वैल्यू जरा चेक करो इसकी नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव, जल्दी से x इज इक्वल टू माइनस वन डालो एफ एक्स में पॉजिटिव आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस टू डालो, जल्दी जल्दी आपको बेसिकली चेक करना है कि कहां पे जाके इसकी वैल्यू जो नेगेटिव होगी जिससे कि ये ग्राफ जो नीचे की तरफ आएगा, माइनस टू पे भी पॉजिटिव आ रहा है, माइनस टू पे नेगेटिव आ गया पक्का, तो इसका मतलब देखो वन जो है उस पे वैल्यू पॉजिटिव है माइनस टू पे नेगेटिव है, यानी यहां पे, तो नेगेटिव पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, और ये ग्राफ जो है वो क्या था, इंक्रीजिंग था, तो इसका मतलब ऐसा कुछ बनेगा यहां पे, ठीक है, कोई डाउट इसमें, माइनस टू पे वैल्यू नेगेटिव थी तो इसका मतलब ग्राफ नीचे ही बनेगा, इसका मतलब इसका जो रूट मिल रहा है वो किससे किसके बीच में मिल रहा है आपको, माइनस टू से माइनस, ठीक है, तो इसको इसने क्या बोला है, अल्फा बोला है, तो अल्फा जो उसकी वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, टू आ गई ना, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कौन सी शिफ्ट थी आपकी, हाँ मतलब 26th की सेकंड और किसी की थी, 26th की इवनिंग वाली शिफ्ट, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी मैथ्स में, चलो कोई बात नहीं, क्या क्या कर सकते हैं, किस्मत खराब है, 18 नंबर क्वेश्चन भी तो है, मतलब जो रीजनिंग इजी लगता था वो भी ऐसा पूछा है ना, चलो क्या कर सकते हैं। हाँ अच्छा, ये 19th किसकी शिफ्ट में था, 19th सही कर दिया, देखते हैं AIOT 5 किसने दिया था, AIOT 5 जो फाइनल स्टेप बैच था ना, फाइनल स्टेप बैच के टेस्ट देते थे तुम लोग, तो उसके लास्ट वाला जो AIOT था उसके अंदर बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन था, AIOT 5 में, याद ही नहीं तभी तो कहता हूँ देने चाहिए टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही है बेसिकली जो पहले लास्ट वाला देख लो, 19th में क्या है, 19th हो जाएगा ना, 19th आपके पास में P implies Q जो वो गिवन है ना, इसका नेगेशन ले लेना, तो नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। चलिए अब 18th करो जल्दी से, 18th करो लास्ट फटाफट से, ये एफ टू में तो आपके पास में दो स्टेटमेंट है, तो इसने क्यों क्यों लिखा है एबीसी, जैसे एफ वन में लिखा ना एबीसी, एफ वन के ब्रैकेट में एबीसी, तो तीन स्टेटमेंट है ना वहां पे ए बी एंड सी, बट सेकंड एफ टू में ये तो दो स्टेटमेंट है ना ए एंड बी, गलती से लिख दिया होगा, हाँ क्या हुआ, हाँ बोलो क्या करना चाहिए इसके अंदर, हाँ
हाँ बोलो, सेट के थ्रू करना चाहिए इसको, सेट के थ्रू। हाँ फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर तीन स्टेटमेंट गिवन है, उसको देखना जरा। ये आपके पास में स्टेटमेंट ए है, एक दूसरा सेट बी लेट कर लो, और एक ये तीसरा सेट है सी, ए बी सी, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए इसके अंदर, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? इसने सबसे पहले देखो बोला नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी। तो नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब ए को छोड़ना और बी को लेना है, है ना। तो कौन सा ये वाला ले लें, यही होगा, ठीक है। अगला देखो अब क्या बोला है, इसका यूनियन लेना आपको नेगेशन ऑफ ए के साथ। नेगेशन ऑफ ए का मतलब बेसिकली यहां पे क्या होगा, नेगेशन ऑफ ए का मतलब क्या होगा, ए को छोड़ दो बाकी सब, उसके साथ में क्या लेना है, इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन लेना है तो ए को छोड़ के बाकी सब, तो ये पूरा हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा रीजन ले लेंगे ए को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो ये नेगेशन ऑफ ए तक हो चुका है, अब इसका यूनियन लेना है किसके साथ में, वो देखो एक बार मैं अलग से तुम्हें बना के दिखा देता हूं। एक बार जो लास्ट वाला आपके पास में लिखा है ना ए बी सी, लास्ट ही लास्ट वाला जो लिखा है उसमें देखो ए यूनियन बी आ रहा है, तो आपके पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब तो ये पूरा रीजन हो गया। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में, नेगेशन ऑफ सी के साथ। तो यानी सी को हटा दो, तो सी को हटा दोगे तो ये वाला रीजन बच गया आपके पास। ऐसा आएगा, तो जो लास्ट वाला पार्ट जो आपके पास में लिखा ना, नेगेशन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये पूरा जो वो ये रीजन है। और स्टार्टिंग वाले के साथ में, इसके साथ में, पूरे के साथ में क्या लेना था, यूनियन लेना था। तो यूनियन लेना था, तो अब इसका मतलब देखो यहां से कौन कौन सा रीजन आएगा इन दोनों का। ये तो जो यूनियन का मतलब क्या होता है कि किसी में से भी वो ले लेते हैं ना, तो ये देखो कि ये वाला जो रीजन है वो यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो हम लेंगे क्या इसको, नहीं लेंगे। इसके अलावा देखो यहां पे ये वाला रीजन आ रहा है पूरा इस टाइप से आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यहां से भी नहीं आ रहा, यहां से भी नहीं आ रहा है, बाकी तो सारा रीजन आ जाएगा, बाकी ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो क्या ये टोटोलॉजी बनी क्या, टोटोलॉजी का मतलब तो क्या होता है, सारा का सारा कवर होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट जो वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पूछा क्या इसके अंदर, F1 इज टोटोलॉजी, गलत हो गया। सेकंड F1 इज टोटोलॉजी, ये भी गलत हो गया। थर्ड वन F1 इज नॉट टोटोलॉजी, ठीक है, तो सी ऑप्शन। अब F2 के बारे में सिमिलर वे में चेक कर सकते हो, F2 के तो डायरेक्टली आप ट्रू टेबल जो फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपके पास में तीन या तीन से ज्यादा स्टेटमेंट अगर होते हैं तो उसमें आप क्या करोगे, हमेशा सेट के थ्रू करोगे, तो इसमें इजीली आप कर पाओगे उसको, ठीक है।